हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है जफर अली। तो आज इस वीडियो को देख रहा हूँ मैं, शाहरुख खान की वीडियो पे रिएक्ट कर रहा हूँ। ठग लाइफ मूवमेंट्स हैं उनके। मैंने बहुत मूवीज़ देखी हुई हैं शाहरुख खान की, सलमान की भी देखी हुई हैं, आमिर की भी देखी हुई हैं, अरफान खान की भी देखी हुई हैं, बहुत देखी हुई हैं। तो ठग लाइफ मूवमेंट्स देखते हैं इनके क्या हैं। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। Hey, what's going on guys? This is महेश केशवाला एके थगेश। सो पूरे कमेंट्स पे भसड़ होगा कि भाई तू एसआरके पे वीडियो बनाओ, एसआरके पे वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो। मेरे भी आए। सो भाई तुमने रिक्वेस्ट डाली है, मैंने वीडियो बनाई। सो यस, शाहरुख खान थग लाइफ। तो भाई पर्सनली मुझसे पूछो तो एसआरके इज द बिगेस्ट थग ऑफ बॉलीवुड। तो भाई आज के ज़माने में कोई मूवी आए और उस पर मे ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो भाई जब शाहरुख खान की मूवी दिलवाले आई थी तो उस पर भी बहुत सारे मीम्स बने थे, और एक रिपोर्टर ने उसी मीम को छाप के एक सवाल पूछ दिया ये सोच के कि भाई थोड़ा बहुत लोग हंस देंगे। लेकिन शाहरुख भाई ने उसी आदमी का मीम बना दिया। फ्रॉम AT&T TV, पूरी कास्ट के लिए सवाल है। काजोल जी, शाहरुख जी, कीर्ति जी और वरुण जी, हाउ डज इट फील टू बी अ सपोर्टिंग कास्ट वेयर द लीडिंग रोल इज गिवन टू अ कार? To all the cars. पहले तो आपने मुझे सुबह नाश्ते में करेला खाया था, इतना कड़वा कड़वा क्यों बोल रहे हैं? So many cars. हाँ नहीं, लेकिन क्या लंच में करेला खाया? नहीं ना। See, मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी छोटा जब भी कोई रोल करते हैं, कुछ भी करते हैं, सारे के सारे काफी सारे आर्टिस्ट यहाँ पर है हमारे, और हम ये नहीं सोचते कि क्या रोल है, कितना छोटा है, कितना बड़ा है। और मैं बताना चाहता हूँ कि कार सिर्फ कार है, कला हमारे पास है, इसलिए हम कलाकार हैं। सुपर बोला ना मैंने, सुपर बोला। नहीं काइको, काइको मगजमारी करने का है काइको। पर ये अभी अपना पटेली वाला रिपोर्टर। तो शाहरुख खान ने ट्विटर पे कुछ ट्वीट किया होगा, तो भाई ने उसी बारे में सवाल पूछा ये कि चलो भाई कुछ कंट्रोवर्सी बनाते हैं। माफ कीजिएगा, आपने जिस तरीके से बात की कि आप पर्सनल लाइफ है वो सब कुछ ठीक है, लेकिन आपने पर्सनल लाइफ को आपने खुद ही ट्विटर पे डाल दिया था, तो वो क्या था? मतलब ट्विटर पे आपने अपनी भावना व्यक्त की थी जब सलमान से आप मिले थे, तो वो क्या? तुम्हारा टेक है कि तुम मेरे ट्विटर को जैसा मर्जी पढ़ो, लेकिन यार लेकिन सर आपने कहा पर्सनल लाइफ है और उसके बाद ट्विटर पे आके तो वो पर्सनल लाइफ। तो मेरी पर्सनल लाइफ है ना, जो मर्जी करो, मेरा ट्विटर मेरे बाप का ट्विटर है। शब्द नहीं है तेरे गिनती में, ऊपर वाला भूल गया, बस भूल गया तू चिंदी है, भूल गया तू धूल, यहाँ जो मिट जाएगा जल्दी से, खड़े जा तू पलटी ले, पले जा तू पलटी ले, क्या होगा। तो नेक्स्ट में शाहरुख खान और कुणाल कोहली गए थे एक टैगियोर के इवेंट में। तो भाई इस इंटरव्यू का थीम ये था कि शाहरुख खान कुणाल कोहली का इंटरव्यू लेंगे। अब वो इंटरव्यू लेते लेते कुणाल कोहली का रोस्ट कब बन गया भाई मालूम नहीं पड़ा। टू राइट योर ऑटोबायोग्राफी, व्हाट वुड बी द टाइटल? फना, डिस्ट्रॉयड इन लव, डिस्ट्रॉयड इन सिनेमा, डिस्ट्रॉयड बाय शाहरुख खान, डिस्ट्रॉयड बाय शाहरुख खान। नो 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 नो, बट आई हैव टू से वन थिंग, डोंट से दैट, ही इज नेवर कास्ट मी, ही इज बीन कास्टिंग अदर हीरोज, सो इज डिस्ट्रॉयड बाय द हीरोज, प्लीज एक्सक्यूज मी। तो भी हम सबको पता है कि शाहरुख और सलमान का कुछ साल पहले बवाल चल रहा था। शाहरुख खान ने कुणाल कोहली से पूछा था कि रिसेंटली आपने ऐसी कौन सी मूवी देखी जो देख के आपको लगा हो कि ये मूवी अच्छी है। भाई कुणाल भाई ने भी कुछ ऐसा जवाब दिया। Since then you've liked all the Hindi films that you watched. I've been very selective in what I've been watching. Okay. So which is the last Hindi film that you watched? That I loved? No, just watched. बाद में पूछूंगा like किया था, dislike किया था। That I watched. Which is the last Hindi film that I watched? Dhoom 3. Huh? Jai Ho. Jai Ho. Yeah. मैंने भी देखी है। That was the last film I saw. There's no accounting for taste. अब अगर शाहरुख और सलमान की राइवलरी चल रही है और उसमें अब शाहरुख खान को सलमान खान बोल दो, फिर तो भाई। Last question, सलमान दिस साइड, sorry, शाहरुख दिस साइड, I'm literally because you were talking about सलमान। I'm extremely sorry, but what's your time constraint? I don't know where are you speaking from. शाहरुख दिस साइड। कहाँ हो, कहाँ आप? यहाँ, I'm literally sorry because yeah, Lipika here, I'm literally sorry. Don't worry, Deepika, it's all right. Lipika.
Oh, I'm so sorry, Deepika. Many days for the days, and I hit where it hurts, boy. Don't fuck with the kid, I'm a soldier. Soldier, my heart's running. Dark thoughts running, my mind's never sober. Soldier. तो शाहरुख खान और अमेरिका का रिलेशनशिप तो आपको पता है। वाह क्या रिलेशनशिप है। जब भी शाहरुख खान अमेरिका जाते तब तक उनका क्या स्वागत होता है। तो भाई इसी बारे में शाहरुख ने क्लैरिफाई किया। सी, जिसका जैसा नजरिया होता है उसको वैसा लगता है। जिनका दिमाग थोड़ा सा घटिया है उनको पब्लिसिटी स्टंट लगेगा। एंड मेरे को ऐसी पब्लिसिटी अगर ये मेरी कुछ किसी ने मुझे बोला पहले दिन ही कि आपकी फिल्म से बड़ा मिलता जुलता है तो फिल्म तो यार 8-9 महीने बाद आएगी। आपको भी मालूम है 3 महीना पहले करते हैं पब्लिसिटी। तो मुझे इसको मुद्दा बनाकर अपने लिए पब्लिसिटी करना, मतलब इससे ज़्यादा घटिया इंसान कोई हो ही नहीं सकता। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, आई डोंट वॉन्ट टू साउंड पॉम्पस, बट रियली शाहरुख खान डज नॉट नीड पब्लिसिटी स्टंट्स टू बी इन पब्लिक आई। तो भाई जब शाहरुख और सलमान का झगड़ा चल रहा था तभी रिपोर्टर्स में बहुत कीड़े थे। शाहरुख को सलमान का सवाल पूछो और सलमान को शाहरुख का सवाल पूछो, क्या थोड़ी बाइट मिल जाएगी। तो ऐसे ही शाहरुख को सलमान की मूवी किक के बारे में एक सवाल पूछा। शाहरुख भाई ने बाइट नहीं दी, बाइट किया। शाहरुख, हाल ही में बॉलीवुड के किसी सुपरस्टार ने इसके पीछे म्यूजिक लिया है, किंग खान का है, तो कुछ कहना चाहेंगे आप या प्रिविलेज फील करते हैं आप अपने आप को? तुझमें नाम लेने की तो हिम्मत हो नहीं रही उस स्टार की। सलमान खान, शाहरुख सलमान खान है वो जो ऐसा कहते हैं। सुन लिया, आप तो सुन लिया दोस्त, कितनी बारी चलाएगा। ओके, we all kind to each other, we respect each other, I think what we have achieved, so, yeah, and genuinely I'll include myself in it also, it's a very individual thing. Bahut mehnat se humne wo kamaya hai jo humne kamaya hai. Okay Shahrukh, ab phail gaya tu. Thank you so much. Ab phail gaya, main naam nahi lunga, isse sawal puch lunga, bite mil jayega, ab phail jata hu, ab aur puch leta hu ek do. Shahrukh Salman Khan ke next question, chal Salman Khan ke question mein bahut hi dhamal macha rahi. Shahrukh ek aakhri sawal hai, marona yaar, kick bhi khatam, abhi khatam ho gaya, pehle puch leta, himmat hi nahi tujhe naam lene ki, tu kya baat kar raha, chal hawa ande 250 gram chal. तो भाई अगर आप शाहरुख खान से पूछोगे कि बॉलीवुड में आपका कंपटीशन कौन है, तो भाई शाहरुख से ऐसा जवाब मिलेगा जिससे कि मेरी दुकान चलती है। शाहरुख, व्हेन समवन लाइक रणबीर कपूर सेज his competition isn't with just actors his generation but he's also competing with अमिताभ बच्चन and शाहरुख खान, is that a competitive spirit you can relate to? Is your competition also younger actors like Ranbir, Imran? Uh-huh. No, I don't have any competition. I'd be very honest. And I don't say that with immodesty or self-centered pompousness. I don't have any competition. I've not come here to compete. I've come here to rule. तो भाई तुम लोगों को याद होगा जब शाहरुख खान की मूवी रावण रिलीज हुई थी तो भाई को बहुत सारा क्रिटिसिज्म सहना पड़ा था। तो कुछ क्रिटिक्स ने तो बहुत ज्यादा पर्सनली क्रिटिसाइज किया था शाहरुख खान को। तो उस पे शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू में ऐसा बोला, a certain superhero film, did it turn out the way you wanted? Were you started tweeting about it? A joke, just the fact that there were people who were taking it very personally on me and I didn't like it. I was very pissed off and I dislike everyone and I wish them the worst of futures possible. And there was a lot of negativity. Some of the critics were very personal about my midlife crisis. Why am I doing this? I'm trying to prove a point. I just want to tell them, go to hell. तो अपना पटेली वाला रिपोर्टर है ना, सस्ते नशे करके आया हैप्पी न्यू ईयर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। Do you think Baman is younger than Shahrukh? Yeah. सिक्योरिटी इस आदमी को बाहर फेंक दो। तो शाहरुख, कुड यू प्लीज अलाउ मी इफ आई कैन आई आस्क फरा एंड देन कम बैक टू यू। बेटा जो करना है तो बुड्ढा बोल दिया तूने, क्यों बुड्ढा बोल दिया तूने, जो करना कर तू। तो लगता है कि ये पूरी की पूरी सभा तेरे बाप की है, जो करना है तू कर बेटा। तो लगता है कि ये पूरी की पूरी सभा तेरे बाप की है, जो करना है तू कर बेटा। कांग्रेस पांच पार्टी या फिर हो वे बीजेपी, सब कुछ वो एक नंबर होता है तेरे भाई की। कोई साला फालतू बोल तो टपका डालता हूं, बड़ा है मार मार के, मार मार के फाड़ डालता हूं। थोड़ा मुर्गेश्वर का देना यार, थोड़ा मुर्गेश्वर का देना। फरा, ऐसा क्यों सोचा आपने कि 24 अगस्त 2014 को 5:15 19 सेकंड पर आप सहारा स्टार होटल के नए ऑडिटोरियम में अपने फिल्म का ट्रेलर लॉन्च करेंगे? उनको ऐसा लगा ये वक्त सही है तो हमने कर दिया,
और आई एम सॉरी इफ इट फील्स रॉन्ग. नो वेरी गुड गुड. अब इसके बाद सारे यहाँ लाइन लग जाएगी इस ऑडिटोरियम में. अभी यही होता है कि हर साल सब लोग आप लोग दुबई चले जाते हो 31 से लेकर 3 तारीख तक सब लोग दुबई में. सॉरी क्यों गए थे सब लोग दुबई? कम वक्त तो एक बार एक बात करना. अभी ये शो के बाद ना जो तू पी के आया मुझको भी पिलाना प्लीज यार. शाहरुख का वन खड़े वाला कांड किसको पता नहीं है? तो भाई ऑफिशियल्स ने उस दिन शाहरुख को काफी कांड वाला बना दिया था. क्या है ये? तो भाई कैसी लगी वीडियो? पर्सनली मेरी फेवरेट वीडियो है शाहरुख खान थग लाइफ. वाह यार क्या थग लाइफ है. बंदे में जिगरा होना चाहिए बोलने का. ये पावर होती है बंदे के अंदर कि वो बोल सकता है. मतलब शाहरुख की मैंने देखी हुई है काफी. वो ऐसे ही बोल देता है. वो कपिल के साथ भी आया था. कपिल भी लाइक परेशान था कि मैं यार शाहरुख के साथ आ गया हूँ. लाइक जब उसने अपना शो स्टार्ट किया था एक दफा दोबारा तो उसके साथ उसको लिया था. तो मजे की वीडियो थी यार. मजा आया देख के. ठग लाइफ मोमेंट्स लाइक मैंने कम देखे हैं. सिद्धनाज वगैरह और लाइक आसिम के देखे हैं. वो डिफरेंट थे. ये रिपोर्टर के साथ वो डिफरेंट है. पर मजे की थी वीडियो. अच्छी लगी है. होप्स आप लोगों ने वीडियो एंजॉय की होगी. अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिए. कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा. मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.